सेम मॉर्निंग में भी ऐसा ही होता है प्यारे भाइयों बहनों, जब भी मॉर्निंग होती है हम चाय लेके बैठ जाते हैं। चाय इज ऑल्सो नेगेटिव। मैं नहीं कहती नहीं मत पियो, एक चाय का प्याला उठते ही और उसके साथ अखबार। सुबह सुबह अखबार में मेजोरिटी, आजकल अखबार में अच्छी खबरें हैं या बुरी खबरें? अच्छा, ब्रेकिंग न्यूज जो होती है ना उसको जल्दी देखते हैं, अच्छी भी होती है मुझे पता है, लेकिन सबसे ज्यादा नजर किस पे जाती है? सुबह सुबह क्या डाल लिया फिर से, समझ गए? परेशानी का कारण यही है। रात को अच्छे विचारों को हमें लेना है और सुबह उठकर सिर्फ अच्छे विचारों का सेवन करना है। इसीलिए पुराने लोग सुबह सुबह मंदिर में आरती करते होते थे और जब भी परिवार में कोई उठता था तो उसके कानों में उठते ही वो आरती की गूंज गूंज से भी घंटियां जाती थी तो पूरा दिन अच्छा होता था। आजकल ऐसा नहीं है, परेशानी इसलिए है, मन में गंदगी इसलिए, और कर सकते कोई बड़ी बात नहीं। मैं जब 6th क्लास में थी तब से करते हूँ, मैं ब्रह्मा कुमारी थी 6th क्लास में, मम्मी के साथ गई, पढ़ाई भी की, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीजी भी किया, साइको हीलिंग भी किया, हम साइको हीलर हो, इनसे हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हुआ था वो भी छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगता था कि आजकल शरीर से दूसरों को बचाना बड़ा आसान है लेकिन जो मन से दुखी है 90% परेशानियाँ लोगों के मन से है, उसको मुझे ठीक करना है, इसलिए मैंने ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन किया। क्यों? क्योंकि मन में लोगों को आज आप देख रहे हैं 90% बीमारियां, टेंशन, सर्वाइकल, थायराइड, फोबिया, माइग्रेन, ये कुछ ऐसी बीमारियां जो लाइलाज है, इसका इलाज सिवाय हमारे खुद के और किसी के पास नहीं है, तो इसका इलाज यहाँ पर राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा किया जाता है।